नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। पांकी से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। लोहरसी शिव मंदिर शारदीय नवरात्र के अवसर पर महाअष्टमी के दिन अनुमंडल मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में शक्ति की आराध्य देवी मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शनिवार को अष्टमी व नवमी तिथि को वैदिक मतोच्चारण के बीच मां गौरी व सिद्धिदात्री मां दुर्गा की पूजा अर्चना किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं ने 108 दीप जलाकर दीपदान किया। अनुमंडल मुख्यालय में लोहरसी शिव मंदिर, पगार देवी मंडप और अन्य गांवों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। शिव मंदिर के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, सचिव बबलू पासवान, उपाध्यक्ष बलिंद्र साव ने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रद्धालुओं को कोरोना महामारी के कारण श्रद्धालुओं को प्रसाद, फूलमाला, चुनरी आदि सीधे चढ़ाने की अनुमति नहीं है। सभी सदस्यों के द्वारा आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हालांकि पहले की तरह बड़े वो भव्य पूजा पंडालों का निर्माण नहीं कराया गया है। पूजा पंडालों सहित कई जगह कोरोना महामारी का असर दिखाई पड़ रहा है। इसके बावजूद कोरोना पर आस्था भारी पड़ रहा है। दुर्गा पूजा को लेकर जगह जगह पर दंडाधिकारियों व पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।